दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत ही लाभकारी स्किन क्रीम इजी नेपी प्लस क्रीम के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। जैसे कि ये कौन सी कंपनी की दवा है, इस क्रीम का कॉम्पोजिशन क्या है, इसके यूजेज क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस क्रीम को बच्चों के शरीर के स्किन पर कैसे इस्तेमाल करें और इस क्रीम का प्राइस कितना है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इजी नेपी प्लस क्रीम के निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं। तो इसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सेटिल मिरेस्टोल, जिंक ऑक्साइड और डी पैंथेनॉल होता है। दोस्तों ऐसे तो इसमें कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। अब हम लोग इस क्रीम के फायदे यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों कई बार छोटे बच्चों के स्किन में किसी कारण से या फिर डायपर पहनने के कारण स्किन में लाल रैशेस हो जाते हैं, जिस कारण इससे बच्चों को दर्द या फिर जलन भी होती है। तब ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्किन में छाले, सूजन या फिर खुजली होने पर भी इस क्रीम का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। मतलब दोस्तों इस क्रीम का मेनली यूज छोटे बच्चों के स्किन में डायपर रैशेस, लाल चकते, सूजन, खुजली, जलन और दर्द जैसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली इस क्रीम के इतने सारे यूजेस थे, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी स्किन में इस क्रीम का यूज करवा सकते हैं। अब हम लोग इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट लगभग ना के बराबर देखे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि ये क्रीम बच्चों को सूट नहीं कर रही है तो आप डॉक्टर से बात करके कोई दूसरा डायपर रेसेस क्रीम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम लोग इजी नेपी क्रीम के यूज करने के तरीके के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तो डॉक्टर ही बताते हैं, लेकिन जनरली इसे बच्चे के स्किन के प्रभावित एरिया को हल्का सा गर्म पानी से क्लीन करके सूखा तौलिया से पोंछ ले और सूखने दे। उसके 2 से 3 मिनट के बाद अपने उंगली से क्रीम को गोलाकार तरीके से अच्छे से लगाएं। दिन भर में 3 बार इस क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि बच्चे का डायपर चेंज करने के समय कुछ समय का गैप जरूर रखें। और अब हम लोग इजी नेपी प्लस क्रीम के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसके प्रति एक ट्यूब का प्राइस 179 रुपये 41 पैसा पर 50 ग्राम है। इसके अलावा 105 रुपये 80 पैसा पर 30 ग्राम है और 49 रुपया 10 पैसा पर 10 ग्राम है। ये क्रीम आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।